हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के 1-8 सम देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो भी हमको सम दिए हैं वो सारे के सारे क्या है, प्रूफ करने वाले सम है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पे टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1-x अपॉन 1+x के रूप में सम दिया है। तो मैं RHS के ऊपर से सम को सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। RHS के ऊपर से मैं LHS लाऊंगा। ओके, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसलिए मैं पहले RHS को लिखूँ 1/2 कोस इनवर्स 1-x अपॉन 1+x। जैसे ही मैं ये सम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे एक आइडिया आता है कि भाई कॉस इनवर्स के बाजू में होना क्या चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो ये जो पैटर्न है एंगल की, वो हमको क्या इंडिकेट करता है, वो हमको इंडिकेट करता है कि कॉस का 1-something अपॉन 1+something के रूप में कोई फॉर्मूला है। यस, कॉस का फॉर्मूला है कॉस 2α इज इक्वल टू 1-tan²α अपॉन 1+tan²α। ये फॉर्मूला होता है कॉस का। ओके, तो इसके रिलेटेड मैं सम में क्या देख रहा हूं, इसके रिलेटेड मैं सम में देख रहा हूं कि यहां पे 1-x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 10²θ। तो टेक x इज इक्वल टू मैं लेता हूं 10²θ। तो 10θ इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अंडर रूट x। यस, ओके। एंड जो योर थीटा है, ये जो थीटा है वो कहाँ पे होना चाहिए, थीटा आगे जाके मुझे थीटा को इनवर्स के रूप में लेना पड़ेगा। तो मैंने जो 10 के रूप में एज्यूम किया है तो 10 की डोमेन में होना पड़ेगा। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 छोटे इंटरवल में, छोटे ब्रैकेट में। चलिए, मैं जो सम को एज्यूम करना था उसके हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। 1-x की जगह पे क्या लिखूंगा, 10²θ अपॉन यहाँ पे 1+tan²θ। ओके, तो मुझे 1/2 कॉस इनवर्स 1-tan² अपॉन 1+tan² क्या होता है फ्रेंड्स, cos²θ। यहां पे लिखना पड़ेगा cos²θ। ओके, नाउ अब मुझे इसका आंसर कॉस इनवर्स के बाजू में cos²θ दिया, तो इसका आंसर 2θ कब लिखूंगा, जब 2θ कॉस इनवर्स की रेंज में होगा तब। लेकिन मुझे यहां पे ये देखना होगा, मुझे ये कंडीशन दी है एक्स बिलोंग्स टू बड़े इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल में 0-1 दिया, तो इसका मीनिंग 0 < x < 1 होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी साइड अंडर रूट अगर लेता हूँ, अगर मैं सभी साइड अंडर रूट लेता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं 0 < √x < 1 लिख सकता हूँ, जो कि √x मुझे 10θ के रूप में मिलेगा। यहाँ पे 10θ ये मैं आपको कंडीशन क्यों प्रूफ करा रहा हूं, क्योंकि आपको परफेक्टली सम पता चले कि सर ये जो 2θ एंगल है वो कोस इनवर्स की रेंज में आया कि नहीं आया। ओके, लाना जरूरी है, तभी आप इसका आंसर 2θ लिख सकते हो। चलिए, अब 0 से -π/2 से +π/2 के बीच में tan 0 कहाँ पे आएगा, तो जहां पे sin 0 मतलब एंगल 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 10θ, tan 1 कब आता है, 10π/4 पे। सर ये क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, और फंक्शन कौन सा है 10 हर एक क्वाड्रेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 10 को निकालूंगा तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा ऐसे। इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि 10 हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पे 2θ चाहिए, तो 0 < 2θ < π/2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई दूंगा ऊपर, तो नीचे π/2 हो जाएगा। ओके, ये जो है वो दूर की रेंज, तो कोस की रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, कोस की रेंज होती है 0 से π। हाँ, तो यहां पे 1/2 × 2θ मैं लिखूंगा, बिकॉज रीजन क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज 2θ बिलोंग्स टू यहाँ पे मुझे मिला 0 से π/2, एंड जो 0 से π/2 है वो बिलोंग करता है, सबसेट है किसका, 0 से π का। That's why मैं इसको 2θ के रूप में 2 कट हो गया, आंसर आया थीटा। और थीटा मुझे अगर यहां से सब्जेक्ट बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, पहले दोनों साइड यहां रहा, ये रहा,
यहाँ से थीटा को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, टेन को इस साइड लेफ्ट हैंड में लेके जाऊंगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स जो कि मुझे लाना था इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया LHS। मैंने RHS के ऊपर से LHS प्रूफ किया फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10th मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, ऐसा ही सम आपको डेरिवेटिव के चैप्टर में देखने को मिलेगा, ऐसा ही सम आपको इंटीग्रेशन के चैप्टर में देखने को मिलेगा, यही सम होगा ओके। तो सभी जगह पे मेथड तो सेम ही होगी आपकी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सम को इजी बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो सम है, सम के कॉट इनवर्स के एंगल में कौन कौन सी चीज़ है, दो चीज़ है कि भाई अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। तो अगर आप अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स को पहले सिंप्लीफिकेशन दो ओके, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, तो अंडर रूट के अंदर वन के यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सर ये कहाँ से आया, साइन टू अल्फा का फॉर्मूला, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा आधा इंटू टू आगे ओके। अब वन की जगह पे अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू मुझे लिखना चाहिए ओके। तो ये इन शॉर्ट ये जो वन प्लस साइन एक्स अंडर रूट में दिए ये और कुछ नहीं यही टर्म है, और ये और कुछ नहीं यही टर्म है ओके। सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज कि मुझे यहां पे आपको साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को मुझे अंडर रूट में दिखाना था इसलिए ओके। फ्रेंड्स ये आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम आगे जाके यहां पे जो भी आंसर आएगा वो यहां पे रख देंगे तो हमारा सम सिंपल बन जाएगा। तो ये जो है वो क्या बना, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, लेकिन आप अंडर रूट के साथ स्क्वायर को निकालोगे तो वो मॉड्यूलस में रहेगा ओके। चलिए अभी जो आप इसकी कंडीशन देखोगे उसी को सॉल्व करने के इस सम के मार्क्स आपको देंगे। चलिए यहाँ पे अभी ये मोड वाला कॉन्सेप्ट अभी साइड में रखते हैं थोड़ी देर, पहले मैं अगर 1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स, यस वाई नॉट। यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन होगा, सर आपने आगे साइन स्क्वायर लिखा है पीछे कॉस स्क्वायर लिखा है, सपोज आप आगे कॉस स्क्वायर लिखते पीछे साइन स्क्वायर लिखते तो यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होता हा होता, इसीलिए मैं यहाँ पे अंडर रूट निकालने के बाद स्क्वायर के साथ अगर अंडर रूट निकालूंगा तो यहाँ पे अभी मैं मॉड्यूलस लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या लिख रहा हूँ, मॉड्यूलस फंक्शन लिख रहा हूँ ओके। अभी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं जो आपको कंडीशन बताऊंगा उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी ये ऐसा ही होता है। चलिए ये जो कंडीशन है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, तो ये ऐसे लिख सकता हूं जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू, ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स, यस। मुझे यहां पे एंगल कौन सा दिया, मुझे यहां पे एंगल x by 2 दिया है, तो x by 2 के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां पे ऐसा बन जाएगा ओके। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि 0 से पाई बाई 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे मैं थोड़ा सर्कल ड्रॉ करके आपको बता दूं, ये 0 ये पाई बाई 2 होगा, यहां पे क्या आता है पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये मेरा x बाई टू जो एंगल है ओके, उसके लिए साइन और कॉस का जो भी वैल्यू, लेकिन वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ओके। ये जो मॉड्यूलस है, देखिए मॉड्यूलस फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है उसका मैं आपको आइडिया दूं कि अगर मोड के अंदर ऐसा दिया है तो इसका आंसर पॉजिटिव 3 कब आएगा, जब मोड के अंदर, अच्छा मैं वेरिएबल से पहले बताता हूँ, चलिए एक्स है तो x का आंसर पॉजिटिव x कब आएगा, जब जो अंदर दिया हुआ x ग्रेटर देन 0 है तब। इसका आंसर नेगेटिव x कब आएगा, जब अंदर दिया हुआ x लेस देन 0 है तब ओके। तो इन शॉर्ट आपको ऐसे सोचना है कि ये जो पॉजिटिव x है ओके, अगर अंदर दिया हुआ, अच्छा
x का या तो पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आता है। चलिए मैंने यहां पे लिख दिया नेगेटिव x, ओके। चलिए अब एक सम लेके देखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सर हम हर बार मॉड्यूलस के अंदर जो भी होता है उसको तो पॉजिटिव ही लिख देते। हाँ वो सही बात है। ये सपोज माइनस थ्री आया तो इसको तो मैं प्लस थ्री ही लिखूंगा, इसका क्या रीजन है? उसका रीजन ऐसा होता है कि अगर मैं ये देखूं कि मोड यहां पे कौन सा टर्म है, माइनस थ्री, ओके। जो एक्स दिया है, हमारी कंडीशन मॉड्यूलस फंक्शन की कंडीशन क्या है, अगर अंदर दिया हुआ नंबर जीरो से छोटा है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाए। तो ये जो माइनस थ्री है, ये प्लस थ्री आया कहां से उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये जो माइनस थ्री है वो प्लस थ्री कैसे बना होगा, तो वो ऐसे बना होगा कि ये कंडीशन मुझे क्या बोलती है, अगर अंदर दिया हुआ बंदा जीरो से छोटा हो तो उसके आगे माइनस साइन लग जाएगी। हाँ तो ये माइनस थ्री तो जीरो से छोटा ही होता है, तो ये माइनस माइनस थ्री होगा इसलिए ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, ओके। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव थ्री दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये थ्री ग्रेटर देन जीरो है तो यहां तो पॉजिटिव थ्री आने वाला है। लेकिन जैसे ही ये अंदर का नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो माइनस माइनस वो नंबर वो पॉजिटिव बनेगा। ऐसे मेरा मॉड्यूलस फंक्शन काम करता है फ्रेंड्स, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब मैं देखूंगा कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, तो बीच में अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये जो मॉड्यूलस है वो निकल के ऐसा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां पे मैं देखूंगा साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, तो मुझे क्या जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, वो मुझे कैसे पता चलेगा। चलिए तो जीरो से पाई बाई फोर आप देखोगे, आपका जो एक्स बाई टू एंगल है वो क्या है, जीरो से पाई बाई फोर के बीच में। अगर आप एक चीज नोट करो कि यहां पे कॉस होगा वन साइन होगा जीरो, यहां पे कॉस होगा वन बाई रूट टू साइन होगा वन बाई रूट टू, यहां पे कॉस होगा जीरो साइन होगा वन। इन शॉर्ट जीरो से पाई बाई फोर के बीच में कौन बड़ा होता है, कॉस इज ग्रेटर देन साइन, कहां पे, जीरो से पाई बाई फोर के बीच में। एंड पाई बाय फोर से पाई बाय टू के बीच में अगर मैं देखने जाऊं तो साइन बड़ा हो जाता है किससे, कॉस से। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। तो आप यहां पे अब समझ सकते हो, आप देख लीजिए कोई भी एंगल देख लीजिए, कॉस थर्टी, कॉस थर्टी कितना होगा, रूट थ्री बाई कॉस थर्टी हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, साइन थर्टी कितना हो जाएगा वन बाई टू, कॉस थर्टी बड़ा होता है साइन थर्टी छोटा होता है। वैसे यहां पे आप देखोगे तो साइन 60 कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 कितना हो जाएगा वन बाई टू, तो यहां पे साइन बड़ा हो जाएगा कॉस छोटा हो जाएगा, ओके। तो यहां पे मैं मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या सोचूंगा, जीरो से पाई बाई फोर के बीच में ये जो साइन है वो छोटा है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है साइन है छोटा, छोटी वैल्यू में से अगर बड़ी वैल्यू माइनस करूंगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो यहां पे मुझे आगे माइनस और जो भी फंक्शन दिया है यहां पे जो दिया है उसको मुझे लिख देना है, बस ये आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने आगे मॉड्यूलस फंक्शन बताया कि भाई वो जीरो से छोटा था, यहां पे आपको इसका आंसर तो नेगेटिव ही मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा मतलब जीरो से छोटा, तो माइनस करके वो फंक्शन खुद लिख देना है जो भी यहां पे दिया है वो। तो ये मुझे मॉड्यूलस में अंडर रूट मॉड्यूलस में साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू क्या मिलेगा फ्रेंड्स, कोस एक्स बाई टू पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस अंदर दूंगा तो माइनस साइन एक्स बाई टू ऐसा मुझे मिल जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू इस कॉट इनवर्स वाले फंक्शन में रखनी है। चलिए देखते हैं हम क्या होता है, ये कॉट इनवर्स, ठीक है, LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS यहां पे लिख रहा हूं कॉट इनवर्स, यहां पे अंडर रूट में वन प्लस साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहां पे मैंने प्लस लिखा है तो मैंने प्लस लिख लूंगा, यहां पे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ओके। नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा फ्रेंड्स, ये वन प्लस साइन एक्स बाई टू मुझे क्या मिला था, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू,
बीच में माइनस दिया है, तो यहां पे अगर माइनस रखूंगा, माइनस के बाद कौन सी टर्म आती है, ये टर्म आती है, ओके। तो माइनस अंदर जाएगा तो ये कॉस एक्स बाई टू नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन एक्स बाई टू है वो पॉजिटिव साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। बस इतना सा सम आपको, सिर्फ ये दो टर्म कैसे यहाँ पे आती है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए अब तो पूरा का पूरा सम एकदम इजी बन गया कि यहाँ पे मैं कोट इनवर्स लिखूंगा, कोट इनवर्स साइन साइन कट, तो यहाँ पे टू कॉस एक्स बाई टू बच जाएगा, नीचे कॉस कॉस निकल जाएगा तो टू साइन एक्स बाई टू बच जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, कोट इनवर्स ये बनेगा कॉट एक्स बाई टू, एंड ये जो कॉट एक्स बाई टू है कहाँ पे होना चाहिए, कॉट इनवर्स की रेंज में, ओके। कॉट इनवर्स की रेंज वैसे होती क्या है फ्रेंड्स, कॉट इनवर्स की रेंज जीरो से पाई, लेकिन उसके अंदर से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, पाई बाई टू माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो आप ऐसा देख सकते हो, ये अच्छा ये जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई बाई टू होता है, यस आ जाता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स बाई टू, बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा, एक्स बाई टू बिलोंग्स टू इन, कहाँ पे है एक्स बाई टू, छोटे इंटरवल में जीरो से पाई बाई फोर, एंड जीरो से पाई बाई टू इज अ सबसेट ऑफ। कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, कोट इनवर्स की रेंज होगी क्या लिखना पड़ेगा, माइनस सॉरी जीरो से पाई, लेकिन कौन सा इंटरवल आएगा, छोटा इंटरवल आएगा, ओके ये हो गया आपका आंसर। आपको यहां पे x बाई टू कैसे मिला, तो कि सर ये जो है जीरो से पाई बाई फोर वो कोट की रेंज, कोट की रेंज मैंने यहां पे शायद से गलत लिखा है, फ्रेंड्स क्वेश्चन टेंथ बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ओके। तो ये सही है, जीरो से पाई ही हो जाएगा कोट की रेंज, कोट इनवर्स की रेंज, सॉरी कोट इनवर्स की रेंज जीरो से पाई छोटे इंटरवल में, ये आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ हो गया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मोस्ट आईएमपी सम है, ये जो सम है वो आगे वाले सम मतलब टेंथ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता सम है, ओके। कैसे, आप अगर टेंथ का डेटा एक बार देखोगे तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ ऐसी ही पैटर्न थी, वन प्लस साइन अंडर रूट में वन माइनस साइन, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट के रूप में ही दिया है। तो आप इस सम को अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं दी होती, यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि भाई हिंट दिए एक्स इज इक्वल टू कोस टू थीटा आप लिखिए, तो आप शायद से अंडर रूट में वन प्लस एक्स की जगह पे पहले आप साइन थीटा को एज्यूम करते, फिर साइन थीटा को एज्यूम करने के बाद अंडर रूट में वन प्लस साइन थीटा, अंडर रूट में वन माइनस साइन थीटा जो हमने आगे का सम किया था उसी हिसाब से अगर आप इस सम को आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे हिंट दी है कि भाई x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा लेके सम सॉल्व करिए, तो मैं यहाँ पे उसी को फॉलो करूँगा, ठीक है। चलिए आपको किया क्या बोला है, x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा लेना है। सर ऐसा क्यों बोला है कि अगर आप देखो वन प्लस कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वन माइनस कोस टू थीटा क्या होगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है सर, ये जो है वो इलेवंथ फॉर्मूला है, ओके। इलेवंथ स्टैंडर्ड में आप ये दोनों फॉर्मूला पढ़ चुके हो, तो ये यहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, और जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ओके। तो उस हिसाब से हम सबको आगे बढ़ाएंगे। चलिए ये टेन इनवर्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट में वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट में वन माइनस कॉस टू थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस सॉरी प्लस से अंडर रूट में वन माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है फ्रेंड्स।
ओके अब जैसे ही आप सम को और आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट में टू कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस अंडर रूट में ये क्या बना, टू साइन स्क्वायर थीटा बन गया, अपॉन अंडर रूट में ये क्या बन गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट में टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बन जाएगा फ्रेंड्स। अब आपको अंडर रूट टू जो है वो ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर दिया है, अंडर रूट साइन स्क्वायर दिया है, वहां पे क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स यहां पे अंडर रूट कॉस स्क्वायर मतलब मोड में कॉस थीटा माइनस मोड में साइन थीटा अपॉन मोड में कॉस थीटा प्लस मोड में साइन थीटा, ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स। ओके चलिए अब आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि सर हमको एक्चुअल में क्या करना था। ओके अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉस थीटा है, ओके ये जो हमने एक्स की जगह पे जो वैल्यू ली थी क्या वैल्यू ली थी, कॉस थीटा, मुझे यहाँ पे ये जो दिया है उसके हिसाब से लिखूंगा, कंडीशन को मुझे दिखाना तो पड़ेगा, तो इस हिसाब से मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। कंडीशन में मुझे यहाँ पे क्या दिया है, कॉस एक्स की जगह पे कॉस टू थीटा लिखने का बोला गया है, ठीक है। आपको पता है अगर कॉस फंक्शन में लूंगा तो उसका आंसर कहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स, जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए। ओके अगर जीरो से पाई के बीच में होगा तभी जाके मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये जो इनवर्ट कोस फंक्शन है वो इनवर्स बनने के लायक बनेगा। चलिए कोस की वैल्यू वैसे तो पाई बाय फोर पे वन बाय रूट टू आती, लेकिन यहां पे माइनस बोला है, माइनस रूट टू बोला है, माइनस वन बाय रूट टू बोला है, तो कौन सी वैल्यू पे आएगी, अगर मैं पाई माइनस पाई बाय फोर लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाय फोर इन शॉर्ट क्या होगा, थ्री पाई बाय फोर, अगर मैं कॉस थ्री पाई बाय फोर लिखूंगा और इसका सॉल्यूशन करूंगा तब जाके कॉस थ्री पाई बाई फोर का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन बाई रूट टू। सर कैसे कुछ पता नहीं चला, ठीक है आपको ये पता है जीरो से पाई कॉस अगर मैं इनवर्स के रूप में लूंगा तो जीरो से पाई के बीच में ये घूमना चाहिए, वही मैं डोमेन ले सकता हूं। ओके तो मुझे वन बाई रूट टू कॉस के अंदर जीरो से पाई में कौन सी वैल्यू देगी, अगर यहां पे पाई बाई फोर लिखूंगा तो वह पॉजिटिव वन बाई रूट टू हो जाएगी, तो मुझे पाई बाई टू का पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर तो कर नहीं सकता कॉस में, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो कॉस फंक्शन पाई बाई टू रिलेशन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन बनेगा, तो ये भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो कौन सा अप्लाई करना है फ्रेंड्स, पाई में से पाई बाई फोर माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और कॉस की डोमेन में भी रहेगा, तो इसलिए ये ओके। चलिए यहां पर मैं लिखूंगा लेस इक्वल टू कॉस टू थीटा, एंड कॉस वन कब होता है, कॉस जीरो पे वन हो जाएगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कॉस जीरो। सर ये क्वाड्रेंट कौन सा, एक्चुअल में ये क्वाड्रेंट जीरो से पाई, जीरो से पाई मतलब अगर मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये जीरो, ये पाई बाय टू, ये पाई, ठीक है, तो ये कॉस का ग्राफ हुआ, तो जीरो से पाई के मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए ये डिक्रीज हुआ फिर से डिक्रीज हुआ, ओके तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो यहां पे आएगा थ्री पाई बाई फोर ग्रेटर और इक्वल टू टू थीटा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ओके ये मैं आपको कंडीशन के साथ प्रूफ करके दे रहा हूं इसीलिए ताकि आपको पता चले एक्चुअल में हो क्या रहा है इनवर्स के अंदर, ठीक है। अब यहां पे मुझे एंगल क्या दिया, थीटा, यहां पे टू थीटा लिया था, तो पहले तो इस कंडीशन को मैं जीरो लेस और इक्वल टू टू थीटा लेस और इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर के रूप में लिख सकता हूं फ्रेंड्स, यस व्हाई नॉट। अब मुझे टू से डिवाइडेड बाय टू, टू से अगर डिवाइड करूंगा तो जीरो लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू थ्री पाई बाई एट हो जाएगा फ्रेंड्स, थ्री पाई बाई एट हो जाएगा। ओके एक्चुअल में आपको ये याद रखना होगा कि पाई बाई फोर मतलब कितना होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री बाई टू करूंगा तो 22.5 डिग्री हो जाएगा। ओके नाउ 22.5 इंटू अगर आप सपोज 3 करते हो तो ये एंगल कितना आता है वो मैं बता रहा हूं, तो ये सपोज आएगा 67 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो कि 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा मेरा रहेगा, 0
लेस और इक्वल टू थीटा, लेस और इक्वल टू 3π/8 का मीनिंग क्या होता है, ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके चलिए यहाँ पे मुझे ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज कॉस डिक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके नाउ तो यहां पे मैं टेन इनवर्स कॉस, अब तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये मोड निकल जाएगा, तो यहां पे प्लस क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पे माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स। यस, अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट मूव ऐसा होना चाहिए कि मुझे यहां पर ऐसा एक सम हम कर चुके, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन था, तो मैंने वहां पे क्या किया था, कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो से डिवाइड, लेकिन किसको डिवाइड, तो कि एंगल को, ठीक है, टेन इनवर्स के एंगल को मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए यहां पे कॉस से डिवाइड करूंगा, तो यहां पे वन माइनस ये बनेगा टेन थीटा अपॉन, मैं इस जो एंगल है उसके हर एक टर्म को, टेन इनवर्स के एंगल के हर एक टर्म को कॉस इज नॉट इक्वल टू जीरो से डिवाइड करने वाला हूं, यहां पे वन प्लस टेन थीटा बन जाएगा फ्रेंड्स। यस, अब मैं यहां पे एक और चीज देख रहा हूं, टेन इनवर्स ये क्या बना, अगर मैं लिखना चाहूं तो टेन पाई बाय फोर लिख सकता हूं, माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं अपॉन वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा। सर आपने ये क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे कुछ नहीं है तो वन मैं बता सकता हूं। ओके नाउ अब मैं सम को थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं तो प्लीज केयर लीजिएगा। ओके चलिए इस कंडीशन को भी मुझे आगे लिखना पड़ेगा, तो इस स्टेप के बाद यहां पे तो ये जो बना वो क्या बना, ये टेन इनवर्स, ये जो है वो इसका आपको टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है शायद से, ये दिखना चाहिए आपको, अगर मैं यहां पे टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो टेन अल्फा मतलब टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन, यहां पे माइनस है तो प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा, यहां पे टेन अल्फा माइनस फॉर्मूला जो कि आप 11 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो फ्रेंड्स। ओके चलिए, तो अगर मुझे इसको आंसर के रूप में लिखना है तो ये एंगल कहां पे होना चाहिए टेन इनवर्स की रेंज में, तो यहां पे एक जो कंडीशन थी तो इस कंडीशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रेंड्स, कंडीशन को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए यहां पे एंगल क्या है, थीटा नेगेटिव है तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, चेंज हो जाएगी। ओके ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, यहां पे जीरो, यहां पे माइनस जीरो ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा माइनस थीटा ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 3π/8, एंड मुझे क्या करना है, मुझे पाई बाय फोर को ऐड करना है, ऐड पाई बाय फोर। इन शॉर्ट अब आपका दिमाग ये चलने लगा होगा, सर आप यहां पे जो एंगल ला रहे हो उसी के हिसाब से कंडीशन में उसको सेट करो, देखिए यहां पे मैं बीच में पाई बाय फोर माइनस थीटा को सेट करूंगा, यहां पे पाई बाय फोर एड कर दिया ग्रेटर और इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस थीटा ग्रेटर और इक्वल टू, चलिए इसको कैसे लिखूंगा, पाई बाय फोर माइनस 3π/8, तो एलसीएम आ गया 8, यहां पे 2π माइनस 3π, तो ये क्या बन गया माइनस माइनस पाई बाय 8। ओके इन शॉर्ट इसको मैं और कैसे लिखूंगा, माइनस पाई बाय 8 लेस और इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा लेस और इक्वल टू, क्या लिख लिया पाई बाय 4। सर ये एंगल कौन सा है, पाई बाय 8 अभी मैंने बताया था 20, पाई बाय 8 का मीनिंग क्या होता है 22.5। ओके 22.5 नेगेटिव में, नेगेटिव में वो कहां पे आएगा, यहां कहीं पे आएगा, एंड वहां से पाई बाय फोर मतलब यहां ये टेन इनवर्स की रेंज में आता है, हाँ रेंज में आता है, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। ओके तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा पाई बाय फोर माइनस थीटा, बिकॉज पाई बाय फोर माइनस थीटा बिलोंग्स टू, ये जो एंगल है मैंने कहां पे लिखा है माइनस पाई बाय 8 से लेके पाई बाय 4, एंड ये जो है वो सबसेट है माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 जो कि टेन इनवर्स की क्या है रेंज है। चलिए अब थीटा की वैल्यू मैं यहां से क्या लिखूंगा, चलिए मैंने एज्यूम क्या किया था, मुझे हिंट में दिया ये। ओके अगर मुझे यहां पे लिखना होगा तो अगर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा लिखूंगा तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 इज इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं फ्रेंड्स। यस
ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज आंसर जो कि हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS. ओके फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है IMP सम है. प्लीज़ ऐसा ही सम आपको डेरिवेटिव में देखने को मिलेगा, ऐसा ही सम आपको इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा. प्लीज़ नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ करने वाला ये लास्ट सम है. इस क्वेश्चन में मुझे बोला है लेफ्ट हैंड में ऐसा कुछ टर्म है, राइट हैंड में ऐसा मुझे प्रूफ करना है. ओके, तो मैं LHS को पहले उठाता हूँ. मुझे राइट हैंड में लाना क्या है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/x. तो यहाँ पे मुझे 9/4 को पहले क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 9/4 को पहले कॉमन निकालू. तो इसके पास 9/4 निकालूंगा तो यहाँ पे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच जाएगा. तो यहां पे 9/4 ये बनेगा कॉस इनवर्स 1/3. वाई, क्योंकि आपको एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू वाला आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए. पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स, तो कॉस इनवर्स आप लिख सकते हो. ओके, अब पाइथागोरस अप्लाई करिए क्योंकि मुझे आंसर साइन इनवर्स के रूप में चाहिए. तो कॉस यहां पे थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस में लिखूंगा. तो इस साइड को मैं क्या लिखूंगा, 9-1 अंडर रूट में 9-1. ओके, तो यहाँ पे 9/4 कॉस का मुझे साइन इनवर्स कन्वर्ट करना है ना फ्रेंड्स. तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, ये क्या बनेगा अंडर रूट 8/3. ये थीटा लूंगा तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बन गया 9/4 साइन इनवर्स, ये बनेगा 2√2/3. दिस इज द RHS. ओके, ये जो हमने चार सम प्रूफ करने वाले सम अभी किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है. उसमें से जो भी दो तीन सम आगे मैंने किए हैं बहुत ही अच्छे सम है. प्लीज़ एक बार उसको अच्छे से लिखिए, उसको एक बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ आए.